हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस डिस्कशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 14 जून के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो। सबसे पहले आपको करना ये है कि एक सेपरेट आप एक नोट्स बनाया करो, ठीक है। जो भी डिस्कस करता हूँ, टेक्निकल क्वेश्चंस हो या नॉन टेक क्वेश्चंस हो, उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, उस टॉपिक को क्या करो, उस नोट्स में आप उसको लिख लिया करो, ठीक है। चाहे वो टेक का हो या नॉन टेक का हो। सपोज़ अभी आपको नॉन टेक में भैया आपका लेवल जीरो, कुछ नहीं आता, मान लेता हूँ मैं, ठीक है, आता है फिर भी। आप क्या करो ना, जो भी नॉन टेक का क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ, उसका जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहा हूँ, उसको टॉपिक वाइज आप अपने नोट्स में लिखते चले जाना। उसके बाद देखना, जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा यार कि हाँ, कि नॉन टेक के क्वेश्चंस का आपके आइडिया लगने लगेंगे। अच्छा, इस फील्ड से नॉन टेक के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। और धीरे धीरे आपके देखना, नॉन टेक की जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो अवेयरनेस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो आप स्टार्ट करो इस तरीके से, नोट्स बनाओ प्रॉपर। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर वीडियो का लेक्चर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप खुद आप फील करोगे यार कि हाँ, कितना इंप्रूवमेंट आप में हुआ है। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है, वहाँ सब ज्वाइन कर लेना। और लेक्चर देखा करो यार पूरा, क्योंकि बीच में मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ जो आपके मतलब किसी भी एग्जाम में जो भी मैं बोलता हूँ ना भाई, मतलब जैसे कि कोई भी फैक्ट में बता रहा हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन या नॉन टेक क्वेश्चन हो, डेफिनेटली वो किसी न किसी एग्जाम में आया होगा, तभी मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो पूरा जब तक देखोगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार कौन सा चीज़ आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो उसको स्किप मत करो, भले आप क्या करो ना कि जैसे कि आप कर रहा था कि भाई आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, वो चीज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वीडियो पूरा कंप्लीट देखा करो, तभी आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। और देखो यार, मेहनत हर कोई कर रहा भाई, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से करो। क्योंकि अगर आपको क्या करना है, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो भैया सारे सब्जेक्ट पर हमें PhD नहीं करने होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भाई पूरा एक सब्जेक्ट को लेके बैठे हुए पूरा नॉलेज गेन कर रहे, नहीं। आपको हर एक चीज़ में, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, भैया आपको इक्वल नॉलेज रखना है। जो भी एग्जाम होता है, उसका सिलेबस को अच्छे से स्टडी करो, और जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करो, तभी एग्जाम निकलेंगे। क्योंकि अगर कोई छोटा सा ग्रुप डी का भी अगर एग्जाम होता है ना, तो उसकी भी अपनी एक पैटर्न अलग होती है। कोई जोरी नहीं कि PhD वाला बंदा अगर ग्रुप डी में बैठेगा तो उसको निकाल के ले जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भाई उसका पैटर्न अलग है, आप उसको समझोगे नहीं एग्जाम को कि भाई टॉपिक कौन सा आते हैं, कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम निकलेंगे कैसे। तो भाई यही टाइम है अपने लाइफ को सुधारने का, सुधार लो यार, नहीं तो फिर आगे चल के चाहोगे ना कि भाई मैं कुछ करूं, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द वर्किंग फ्लूड इन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज। जैसे कि रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब होता है कि आपका चाहे घर पे जो आप रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या आप देखते हो ना जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या AC वगैरह यूज़ करते हैं, तो भाई ये जो हम लोग को कूलिंग इफेक्ट जो होता है कमरे के अंदर, कूलिंग इफेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद फ्रिज के अंदर जो आपको यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, तो ये करता कौन है, ये जो सब्सटेंस होता है जो ये काम कर रहा है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा कि सपोज़ मान लो यहाँ पे आपका कोई फूड है, ठीक है, इसके पास टेम्परेचर अभी इसकी 35 डिग्री सेल्सियस है, आप इसको चाहते हो 25 डिग्री सेल्सियस करना, आप क्या करोगे, यहाँ से कोई एक सब्सटेंस पास करवा दो जिसकी टेम्परेचर सपोज 20 है। अब यहाँ पे क्या होगा, 35 और 20 में टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा, तो भैया हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, इसका टेम्परेचर घट के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो ये जो सब्सटेंस जो अपना हीट को एब्जॉर्ब कर लिया दूसरे सब्सटेंस से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट जो होता है भैया क्या करता है, आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन में इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बहुत लोगों ने सही भी दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं कि टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट जैसे पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार, इसको आप क्या करो नोट्स में रेफ्रिजरेशन के जो आपके मतलब रेफ्रिजरेंट के जो टाइप होते हैं ना, उसमें आप उसको नोट करके रख सकते हो। जैसे कि क्या, सबसे पहला जैसे होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि नोमेनक्लेचर आता है, नोमेनक्लेचर का मतलब कि ये सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है यहाँ पे क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है यहाँ पे रेफ्रिजरेंट बोला जाता है, ठीक है, इनको बोला जाता है रेफ्रिजरेंट। जैसे R11 रेफ्रिजरेंट है, तो उसको केमिकल फॉर्मूला होगा CFCl3, R12 का होगा CF2Cl2, R22 का होगा CHF2Cl1, R13 का होगा C2H2F4Cl0। CL0 मतलब इसी को बोला जाता है क्या, इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। इको फ्रेंडली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगर मान लो रेफ्रिजरेंट में अगर क्लोरीन का अगर एटम नहीं रहेगा, तो जो हमारी ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो उसको डिप्लीट नहीं करेगा, डिप्लीट मतलब काट नहीं सकता है। क्योंकि अगर ओजोन लेयर कट जाएगा तो अल्ट्रा वायलेट रे हमारे सरफेस पर आ जाएगी, और जिससे हमें स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट पूछा जाएगा, तो किसको बोलोगे, R134 को
बोलोगे क्योंकि इसमें क्लोरीन का एटम नहीं है। और जैसे कि नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है कि किसी भी रेफ्रिजरेंट जैसे R11 है तो भाई इसका नाम CFCl3 कैसे पड़ा, ठीक है, तो उसके लिए भाई एक स्टैंडर्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर हाइड्रोजन और कार्बन वाला अगर रेफ्रिजरेंट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं Rm-1 N+1 × P। अब ये क्या होता है N+P+Q=2M+2। अब क्या करना है, जैसे क्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, इनके सारे अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकल के आने वाले हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे सफिक्स पे रख देते हैं MnPQ। जैसे कि मान लो यहाँ पे रखा हुआ कि R11 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया M-1 का वैल्यू 1 है, N+1 का वैल्यू 1 है और P का वैल्यू हो गया 0। उसके बाद जैसे ही आपको M का वैल्यू पता चल गया, N का वैल्यू पता चल गया, P का पता चल गया, सबका वैल्यू पता चलेगा, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो R11 का जो आपका केमिकल फॉर्मूला कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे CFCl3 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उस केस में ये वाला टर्म तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर जो +2 रहता है वो हट जाता है और CHFCl MnPQ हो गया आपका, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आपका ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड जिसमें नहीं ऐड होता, जैसे कि अमोनिया है, इसका कैसे निकालोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेंट का 700+ मॉलिकुलर वेट। जैसे कि आपका जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसको भाई 7 का डबल कर दो तो 14 हो गया, हाइड्रोजन का हो गया आपका 3, तो टोटल 17 हो गया इसका मॉलिकुलर वेट। इसको 700 से अगर जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो 717 हो गया आपका, क्या इसका हो गया आपका रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला का नाम हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर यह बोल रहा है कि इन वेपर कंप्रेशन साइकिल हीट रिजेक्शन देके रखा हुआ है और वर्क डन इन कंप्रेशन देके रखा हुआ है, तो COP पूछा है। तो देखो VCRS सिस्टम जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं, तो TS डायग्राम में इसका वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला भी आपका पूछा भी जाता है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से 2 कंप्रेशर, 2 से 3 कंडेंसर, ठीक है, 3 से 4 आपका होता है एक्सपेंशन डिवाइस, जैसे कि हम लोग कैपिलरिटी ट्यूब वगैरह भी यूज़ करते हैं एक्सपेंशन डिवाइस के टर्म में, और 4 से 1 जो होता है ये इवेपोरेटर होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल इसलिए होता है क्योंकि ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें COP निकालना है तो COP का फॉर्मूला जनरली अगर आपको पता ही होगा डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो अगर मैं VCRS सिस्टम की बात करूँ तो डिजायर्ड इफेक्ट मेरा लोअर टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हीट रिजेक्टेड देके दिया मतलब क्या कि भैया जो आपका यहाँ पे इवेपोरेटर है वो कितना आपका हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आपका 65, इवेपोरेटर आपका 65 आपका हीट का रिजेक्शन कर रहा है, ठीक है। और आपका वर्क इनपुट आप कितना दे रहे हो, वर्क इनपुट आप दे रहे हो 10। देखो सबसे पहली बात आपने यहाँ पर गर्दा मचा कर रखा हुआ, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हीट रिजेक्शन दिया है, ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन नहीं दिया है, मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो और हमें डिजायर्ड इफेक्ट में हीट एब्जॉर्ब को लिखना है, तो हमें पता है कि भैया जितना हीट एब्जॉर्ब करता है, जब मान लो रेफ्रिजरेटर अपना रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम होता है उसके बाद वो जितना वर्क इनपुट होता है उतना ही क्या करता है, वो हीट को रिजेक्ट करता है, तो मान लो उसने 65 हीट का रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट कहाँ करेगा, वो कंडेंसर में हीट को रिजेक्ट करता है, ठीक है, तो 65 = आपका हो गया वर्क इनपुट प्लस डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब यहाँ से जो वो इवेपोरेटर से जितना वो हीट लिया होगा, तो यहाँ से जब डिजायर्ड इफेक्ट आप निकाल के लाओगे तो ये कितना हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट निकल कर आएगा आपका 55 निकल कर आएगा, ठीक है, और वर्क इनपुट आप दे रहे हो कंप्रेशन में कितना 10 दे रहे हो, तो COP कितना निकल करेगा 5.5, क्लियर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। यार बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे लड़कों ने मतलब इसका कंसेप्ट क्लियर है तभी जाके इसने सही आंसर किए हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ आइडियल फ्लूड। आइडियल फ्लूड वो फ्लूड होती है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बस ये सारे केस आपको पता होना चाहिए। देखो आइडियल फ्लूड मतलब ऐसी फ्लूड एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन अपने स्टडी को मतलब ईजी बनाने के लिए उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, फर्स्ट है कि ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। सेकेंड का मतलब इनविसिड मतलब होता है विस्कोसिटी, इसमें जीरो होना चाहिए। इरोटेशनल मतलब जो रोटेशनल कंपोनेंट WZ लिख दो, अब ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और ये बर्नौली इक्वेशन को ओबे करता है, मतलब जो हम लोग लिखते हैं P1/ρg + V1² / 2g + Z1, ये होता है आपका टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, एज मतलब बर्नौली इक्वेशन के तरह जो बोलता है वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि ये प्रेशर एनर्जी देकर रखा हुआ इन टर्म्स ऑफ हेड, ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड, और ये पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड देकर रखा हुआ है। तो बर्नौली इक्वेशन को भी ओबे कौन करता है, आपका आइडियल फ्लूड ओबे करता है, तो यहाँ पे बोला था कि डजेंट ओबे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इन ए फ्लो फील्ड। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका
सॉरी इक्विपोटेंशियल लाइन होता है जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, जो आपका स्ट्रीम फंक्शन होता है उसको जिसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं। फाई क्या होता है, फाई जो होता है वो स्पेस का फंक्शन होता है, मतलब ये फंक्शन होता है आपका एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन का। इसका अगर आप नेगेटिव डेरिवेटिव लिखते हो किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये उसी डायरेक्शन के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्स है, y हो गया और z हो गया, तो मैंने मान लिया कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है u है, आपका y डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी की कंपोनेंट है v है, और z डायरेक्शन में वो आपकी w है। तो जो नेगेटिव आप लिखते हो डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में वो उसके वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा फाई अपन डेल फाई, और आप लिख सकते हो यहाँ पर w इज इक्वल टू माइनस w इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस डेल फाई अपन डेल z लिख सकते हो। और ये बोला जाता है कि अगर मान लो पोटेंशियल फंक्शन, अगर जो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई है, अगर वो लैप्लास का जो आपका इक्वेशन होता है, लैप्लास का इक्वेशन क्या लिखते हो, डेल्टा स्क्वायर फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर फाई प्लस डेल वाई स्क्वायर हो गया, अगर ये सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या, जब आप इसको निकालोगे डेल्टा स्क्वायर फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर तो ये जीरो आना चाहिए। अगर ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के केस में ये जो फ्लो है वो पॉसिबल है, ठीक है। क्या है, फ्लो पॉसिबल फ्लो रहेगा जब वो आपका पोटेंशियल फंक्शन को आपका इसको सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर जो आपका फ्लो निकल कर आता है वो इर रोटेशनल फ्लो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है उसमें किस तरह का फ्लो पॉसिबल है, तो बोलोगे इर रोटेशनल फ्लो पॉसिबल है। फ्लो बोलेगा पॉसिबल कब होता है, जब वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, और ये टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन दोनों के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ साई, साई में जैसे अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट यू की बात करूँ तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि यू माइनस डेल्टा साई अपन डेल्टा वाई लिखते हैं, और वी कंपोनेंट की बात करूँ मैं इसको लिखते हैं क्या, डेल्टा साई अपन डेल एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको याद करके भी रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये ओनली टू डायमेंशनल के लिए वैलिड होता है, जैसे कि डेल्टा यू एक्स अपन डेल्टा वी अपन डेल वाई, तो ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है। अगर इसने इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो बोलेंगे हम फ्लो पॉसिबल है, और इसके केस में फ्लो इररोटेशनल भी हो सकता है और रोटेशनल फ्लो भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर टू डायमेंशनल फ्लो बोलेगा तो ओनली आपका जो स्ट्रीम फंक्शन होता है उसी के केस में पॉसिबल है, लेकिन टू और थ्री दोनों आपका जो डायमेंशन ऑफ फ्लो होता है वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के केस में पॉसिबल है। इरोटेशनल फ्लो जो होता है ओनली वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए होता है, और इरोटेशनल प्लस रोटेशनल दोनों पॉसिबल होता है क्या, साई के लिए होता है। और एक स्ट्रीम लाइन का एक इक्वेशन भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डी एक्स अपॉन यू, मतलब जो भी आपका रहता है आपका फंक्शन उसका वेलोसिटी कंपोनेंट उसके नीचे लिख देते हैं इज इक्वल टू डी जेड अपन डब्ल्यू, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या, देखो वेरियस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आर, देखो वेरियस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जैसे कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन हो गया, ठीक है। तो कंडक्शन जो होता है ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है, ठीक है इसमें, लेकिन मैकेनिज्म जो होता है हीट ट्रांसफर का अलग अलग होता है। इसको दिया था किसने, इसको दिया था फोरियर लॉ ने दिया था, किसने दिया था, फोरियर एक साइंटिस्ट है उन्हीं ने दिया था इसका कंडक्शन हीट ट्रांसफर को। और कंडक्शन हीट ट्रांसफर हम लोग निकालते कैसे हैं, तो क्यू इक्वल टू निकालते हैं के ए डी टी अपॉन डी एक्स, जहाँ पे के होगी आपका थर्मल कंडक्टिविटी, और मेटल के केस में सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है, फिर कॉपर की होती है, लेकिन नॉन मेटल के केस में सबसे ज़्यादा डायमंड की होती है, ठीक है। और कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर जो है इसका जो फॉर्मूला होता है जिसने न्यूटन ने दिया था उसका होता है एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, जहाँ पे एच को बोलते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसका यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जाता है, और यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है ये होती है वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। और रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो जिसकी अगर मैं बात करूँगा तो ये होता है ए एप्सिलॉन सिग्मा टी वन के पावर फोर माइनस टी टू के पावर फोर। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब ये निर्वात में भी हीट का ट्रांसफर कर सकता है। एप्सिलॉन को यहाँ पे एमिसिविटी बोलते हैं, और सिग्मा को बोलते हैं यहाँ पे क्या, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर में 4 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, बहुत लोगों ने सही भी दिया यार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंडक्शन हीट ट्रांसफर जो होता है ये पॉसिबल होता है किस सब्सटेंस में, देखो तो ये जो होता है ना ये सॉलिड में भी हो सकता है
और लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें जो हीट ट्रांसफ़र जो होता है उसका जो मैकेनिज़्म होता है, मतलब कि किस तरीके से किस में क्या होने वाला, ये अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड में आपका होता है मेटल भी होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो अगर मैं बात करूँ मेटल के केस में, जो हीट ट्रांसफ़र का जो मेन कारण होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण मेन हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड मेटालिक बॉडी में। अगर मैं बात करूँ नॉन मेटालिक बॉडी के बारे में, तो नॉन मेटालिक बॉडी के बारे में जैसे कि जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें वाइब्रेशन होने के कारण हीट का ट्रांसफर होता है। लिक्विड में कैसा होगा या गैस में कैसा होगा, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन के कारण ही हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुतों को इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं था, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द ब्रेटन साइकिल एफिशिएंसी इज, द ब्रेटन साइकिल की मैं अगर बात करूँ तो ये गैस टरबाइन में यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, गैस टरबाइन में यूज़ करते हैं। और इसका पीवी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, इसमें कुछ चार प्रोसेस होते हैं, 1-2 आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होता है, 2-3 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3-4 आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन और 4-1 कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट का रिजेक्शन। तो मतलब दो आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया और इसमें दो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी हम लोग लिखते हैं आइडियल एफिशिएंसी 1- प्रेशर रेशियो रेज टू पावर गामा -1/γ लिखते हैं, ठीक है। तो पूछा इसमें कि क्या कि अगर कंप्रेशन रेशियो जो होता है अगर सेम रहा, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो मतलब जिसको हम लोग आर बोलते हैं, तो बताओ जो इसकी जो एफिशिएंसी वो किसके बराबर हो जाएगी। तो जैसे कि ये जो प्रेशर रेशियो γ-1/γ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन आप लिखते हो जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं कि T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 अपॉन इन रेज टू पावर γ-1/γ इज इक्वल टू V1/V2 रेज टू पावर γ-1, ठीक है। तो अगर कंप्रेशन रेशियो सेम की बात करेगा तो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, उसको आप क्या लिख सकते हो, V1/V2 रेज टू पावर γ-1 लिख सकते हो। तो V1/V2 को क्या लिख सकते हो, कंप्रेशन रेशियो R लिख सकते हो। तो जैसे इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो 1-1/R रेज टू पावर γ-1 हो गया। तो अगर कंप्रेशन रेशियो R अगर सेम हो बोल दिया, तो जो आपकी ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी है, आपको नहीं लगता कि ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। एन आइसेंट्रोपिक फ्लो इज वन विच इज, देखो आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जिसको आपको पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। मतलब एडियाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर हो गया 0, ठीक है। तो जैसे हम लोग एंट्रोपिक चेंज इन एंट्रोपिक क्या लिखते हैं, DQ/T लिखते हैं। तो हीट ट्रांसफर अगर 0 हो गया तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक कब निकल का था, जब रिवर्सिबल और एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। जैसे इसमें मैंने एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं पर भी मैंने आपका ये नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस तरह का ऑप्शन मिल गया तो दिमाग थोड़ा लगा लो कि जैसे कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता ना, तो उसको हम लोग अपना रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकते हैं। तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने आंसर का जो क्वेश्चन का जो आंसर कुछ इस तरीके से सोचा होगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर इस कंडीशन में सी हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक इन्वेंटर होता है, सपोज आपने कुछ एक इंजन को इन्वेंट कर दिया है जिसका एक दो टेम्परेचर लिमिट पे काम करता है, एक 27 डिग्री सेल्सियस पे और एक 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है 10 किलोवाट प्रोड्यूस करता है और 99 आपका 100 किलोजूल पर मिनट, इसको भी वाट में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे भाई, किलो वाट में कन्वर्ट करना है ना, तो किलो वाट के लिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो इसने आपको क्या कर दिया, इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया। तो पूछा कि ये जो आपने बनाया है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो हमें पता है कि जो सबसे पहले कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है जो सबसे मैक्सिमम होती है, अगर उस केस में हम लोग निकालना चाहते क्या निकालेंगे, 1- आपका लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसमें 283/ हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300, यहाँ से कुछ एफिशिएंसी निकल के आएगा। और इस केस में भी आप एफिशिएंसी कैसे निकालोगे कि वर्क आउटपुट कितना पर दे रहा है, ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है 10 किलोवाट और हीट का जो सप्लाई कर रहा है ये डिस्चार्ज कितना कर रहा है आपका 990/6, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में इसकी जो एफिशिएंसी निकल के आ रही है अगर कार्नोट साइकिल से कम आई तो ये मैं बोलूँगा पॉसिबल है। लेकिन सपोज आपने जो इंजन बनाया उसकी एफिशिएंसी कार्नोट से भी ज़्यादा आ गया, तो भैया कार्नोट तो बोलता है कि दुनिया में किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी मेरे से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, और आपने जो इंजन बनाया उसकी एफिशिएंसी जो है वो कार्नोट साइकिल से ज़्यादा आ गया, मतलब आपने जो इंजन बनाया वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए हो जाएगा। यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बंदों ने यार इसके सही आंसर किया, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड इन इंडिया। तो देखो अवार्ड की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपको यार एक अवार्ड तो पता ही होगा कि भारत रत्न जो होता है ये सबसे मतलब टॉप मोस्ट अवार्ड होता है, इससे बड़ा कोई अवार्ड हमारे कंट्री में है ही नहीं। अब बाकी तीन में जैसे कन्फ्यूजन होता है कि पद्म विभूषण किसको होता है, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो देखो यार सबसे पहली बात है इसको याद रखने के लिए कि कैसे, सबसे पहले तो आपका भारत रत्न हो गया, आपको सेकेंड याद रखना देखो तो पद, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, मैं बताता हूँ कैसे याद रखना आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पद्म भूषण होता है, ठीक है, पद्म भूषण। उसके बाद होता है पद्मश्री, मतलब सबसे हाईएस्ट अवार्ड हमारे कंट्री में पद्म भारत रत्न, सेकंड हो गया आपका पद्म विभूषण, उसके बाद हो गया पद्म आपका भूषण एंड लास्ट वन इज़ पद्मश्री। तो देखो यार विभूषण जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे एक बड़ा सा वर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो भैया भारत रत्न तो टॉप मोस्ट में रहेगा लेकिन विभूषण हो गया सेकंड में, भूषण के बाद देखो विभूषण के बाद देखो भूषण वाला जो टर्म है ना उससे छोटा आ रहा है, मतलब ये हो गया तीसरा नंबर में, और सबसे छोटा आ रहा है श्री, मतलब ये हो जाएगा फोर्थ नंबर का अवार्ड हो जाएगा, क्लियर है। तो कुछ भी ट्रिक लगाओ यार तिकड़ा मिलाओ और अपना याद रखो एग्जाम हॉल के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेडक्वार्टर होती है ये आपका कहाँ पर, तो ये जेनेवा में होती है। जेनेवा एक जगह पे जगह है, कहाँ पे ये जगह जो है ये स्विट्जरलैंड में एक जगह है जेनेवा, ठीक है, जहाँ पे आपके WHO की हेडक्वार्टर है। अगर मैं बात करूँ कुछ और इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स के बारे में, इसको यार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप क्या करो ना अपने नोट्स में लिख लिया करो क्योंकि हर एक एग्जाम में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो, इन सबका हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है। एक जगह मैं कर दिया हूँ तो आपको ईजी हो, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या तो वर्ल्ड बैंक, इसका वाशिंगटन DC जो USA का कैपिटल हो गया। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग यूनेस्को बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर पेरिस है। सबसे पहली बात तो एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, यूनेस्को का। उसके बाद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जिसको हम लोग यूनिसेफ बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको जिसके हेडक्वार्टर का बेंगलोरी में है, और आपको इसमें ये याद रखना है इसका स्थापना जो है किया गया था कब, 1969 में, 1969 में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि 1869 में भैया किसके, महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ जो रहा था 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्मदिन हुआ था, तो 100 साल बढ़ा दोगे 1969 तो भैया उसमें क्या हो गया, इसरो का स्थापना हो गया था। वाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, इसकी हेडक्वार्टर का मुंबई में है, जो कि 1954 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो होता है इसके हेडक्वार्टर मनीला है, जो मनीला जो है आपकी फिलीपींस जो कंट्री है उसकी आपकी कैपिटल है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग DRDO बोलते हैं, इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है 1958, ठीक है, 1958 में इसका गठन किया गया था, क्लियर है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो होता है इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर द हेग कहाँ पर है, ये नीदरलैंड में है, कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड का ये जो ओल्ड नेम है इसको हम लोग हॉलैंड बोलते थे, क्लियर है। तो सारे जितने भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया और हेडक्वार्टर जिनका बताया आपने अपना नोट्स में लिख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो भाई आप एक जगह उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो भैया इसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसका नाम क्या है, बंगाल की बोलेगा ना तो बंगाल हो जाएगा आपका वारन हेस्टिंग्स। और अगर पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो लॉर्ड विलियम वेंटिक है। और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। तो ये आपको तीन चीज़ याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है ना तो लॉर्ड विलियम वेंटिक, मतलब आपका आंसर इसका सी हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट इज बोरो फ्रॉम विच कंट्री। तो फंडामेंटल राइट का मतलब क्या था, आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो हमने कहाँ से बोरो किया, मतलब ये कंसेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने लिया कहाँ से, USA से लिया है। और फंडामेंटल राइट्स पूछा जाएगा कि मतलब किस आर्टिकल के बीच रहता था, ये 12 से लेके 35 आर्टिकल के बीच में आता है, और ये पार्ट थर्ड में आता है क्योंकि हमारे संविधान में टोटल 25 पार्ट है, पार्ट थर्ड में आपका फंडामेंटल राइट्स आता है, ठीक है। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होता है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये हम लोगों ने रशिया से लिया है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितने होते, 11 होते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होता है ये आपको स्टार्टिंग में हमारे ये संविधान में था नहीं, लेकिन 42वां संशोधन मतलब 42वां अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था। और 42वां अमेंडमेंट जो है कब किया गया था, जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, क्लियर है। और इसलिए 42वां संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा संविधान बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट वन, स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज, तो स्टडी जो हम लोग बर्ड के बारे में करते हैं, जैसे कि अलग अलग साइंटिफिक फील्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे इसको, ठीक है। और एंथ्रोपोलॉजी जो होता है आपका, ये स्टडी करते ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब होता है जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और नेफ्रोलॉजी मतलब जो किडनी के जो फंक्शन होता है उसके बारे में जो स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी। क्लियर है? तो ये सारा आप इसको नोट कर लेना अपना अपने नोटबुक में, क्लियर है। और फर्स्ट इंडियन, जो फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया कौन था, मतलब पहला कौन मुगल सम्राट था जो इंडिया आया था, तो भैया इसका फुल फॉर्म बस छोटा सा ये याद रखना, भाज सब, आपको यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बीफर आपका बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, आपको पता होगा कि बाबर 1526 में आया था, इसने सबसे पहले पानीपत का युद्ध लड़ा था किसके साथ, इब्राहिम लोधी के साथ, और उसको हराया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, हेमू और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीता था, अकबर जीता था। चलो थर्ड वाला जो आपका है वो कब हुआ था बताना, और उसमें किसने किसको हराया था, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज, तो भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ऐसे भी क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में बनते रहते हैं कि वेस्टर्न घाट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो आपका वेस्टर्न घाट है ना इसका एक अलग नाम भी है, उसका नाम क्या है देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। और ये बहुत सारे जो उसके अलग अलग नाम होते हैं उसको मैंने एक जगह यहाँ पे कर दिया है, इसको आप देख लो, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट को क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्टर्न घाट को हम लोग बोलेंगे आपका सह्याद्री बोलेंगे। और ये 6 स्टेट से मिलकर बना हुआ था, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका केरल हो गया। ईस्टर्न घाट जो होता है ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से मिलकर बना होता है। तो जैसे जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय के भाई अलग अलग रेंज बटे हुए हैं, जैसे हिमालय होता है मान लो इस तरह का रेंज है, तो एक हो गया आपका आउटर हिमालय, मतलब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको आउटर हिमालय बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में अगर मान लो ये पूछ लिया कि बताओ कि ग्रेटर हिमालय का नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, ग्रेटर हिमालय को हम लोग बोलते हैं हेमद्री बोलते हैं, और आउटर हिमालय को बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं। तो चलो इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट भैया होता कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाली पार्ट, इसको क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कितने 6 स्टेट होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका केरल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा हो गया और गुजरात हो गया, ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तो ये उड़ीसा हो गया, तो ये सारे वेस्टर्न घाट में आता है, ठीक है। जैसे रन ऑफ कच्छ कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। थार डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है जो आपकी इंडिया की सबसे बड़ी डेजर्ट रेगिस्तान, वो कहाँ पर आपका, ये राजस्थान में है। तो ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा गेरो हिल्स, गेरो हिल्स मतलब ये आपका माउंटेन का रेंज होता है, जब कहाँ पर आता है, ये आपका आपका नॉर्थ ईस्ट वाले इलाका में आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सह्याद्री हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे क्या, बी बोलेंगे। तो बहुतों ने इसका सही आंसर भी किया है। और शिवालिक अगर बोल देगा तो शिवालिक किसको बोलेंगे, शिवालिक बोलते हम लोग कि आउटर हिमालय को बोलते बोलेंगे, और हिमद्री किसको बोलेंगे, ग्रेटर हिमालय को बोलेंगे, क्लियर है। ह्यूमन ग्लैंड विच प्रोड्यूस इंसुलिन, देखो ग्लैंड क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथि, ग्रंथि का कुछ अपना अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। बॉडी में मतलब जितने भी सारे ऑर्गन्स होते हैं उसको काम करने के लिए उसको भाई एक फंक्शन होते हैं सारे हर एक ऑर्गन्स की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। ये या तो कुछ प्रोड्यूस करती है, या तो ये कुछ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, या तो सप्लाई करेगी प्रोड्यूस करके उसको। तो पूछा गया कि भाई ह्यूमन ग्लैंड जो होती है विच प्रोड्यूस इंसुलिन, मतलब इंसुलिन जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये पेनक्रियाज जो होता है ये प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है क्या, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं बात करूँ उसके डायग्राम अगर आप देखना चाहो कि भैया एक्चुअल में ये होता कहाँ पर हमारे बॉडी में, तो देखो तो हमारे बॉडी में क्या होता है ये कि आपका जो स्टोमक होता है, जो आपका पेट होता है ना, उसके पीछे वाला पार्ट जो है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथि जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो लीवर ही होता है, जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, क्लियर है आपका। चलो जैसे थायराइड ग्लैंड जो हो गया, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर रहता है, ये गले पर रहता है, क्लियर है। सेरेब्रम क्या होता है, अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क का, माइंड का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं सेरेब्रम बोलते हैं, क्लियर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए ना भाई कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप हमारे कंट्री में होते हैं। तो हमारे कंट्री में जनरली थ्री तरफ के फसल उगाए जाते हैं, एक हो गया खरीफ हो गया, एक रबी हो गया, एक जैद हो गया, ठीक है। तो खरीफ जो फसल होती है ये इसके लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जुलाई या अक्टूबर, जैसे कभी जून चल रहा है तो आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, राइस हो गया, मेज़ हो गया, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, ये सब सारे क्या खरीफ वाले फसल होते हैं, ठीक है। रबी वाले फसल जो होते हैं ये ठंडे के टाइम में उगाया जाता है, विंटर सीजन में, और खरीफ वाले समर सीजन में, जैसे कि अक्टूबर और जनवरी में, इसका अक्टूबर से फरवरी के बीच में इसका टाइम रहता है, जैसे वीट हो गया, गेहूँ हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम, पीज, मस्टर्ड हो गया। जेड जो होता है ये समर क्रॉप होते हैं, जैसे कि मार्च और जून के महीने में इसको उगाया जाता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन और कोकम्बर हो गया, वेजिटेबल्स एंड आपका फॉर्डर क्रॉप्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो देखो राइस भी आपका है, राइस भी यहाँ सबको दिख रहा होगा, बाजरा भी दिख रहा होगा और मेज भी दिख रहा होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए डी, नॉन ऑफ द अबव, क्यों, क्योंकि ये सारे ए बी सी आपके खरीफ क्रॉप ही होते हैं, क्लियर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारे किस स्टेट में है। सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, और उस गोले के अंदर बहुत सारे लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर मान लो वहाँ पे जो जानवर रह रहे होंगे, जो अलग अलग तरह के जीव रह रहे होंगे, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको हमें प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि भाई टाइगर की जनसंख्या कम होने वाली है, कम हो रही है, पेंथर की जनसंख्या कम हो रही है, तो जिस एरिया में ये आपका आता है, जिस एरिया को हम लोग बना लेते हैं कि इस एरिया में हमें इन जीव जंतुओं को बचाना है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोल देते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व अगर जिसका एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं यूनेस्को, अगर ये यूनेस्को के द्वारा अगर इसको क्या किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है, तो वो क्या करती है, वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भाई मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है कि ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व को किस तरीके से क्या किया जाए, किस तरीके से उसको अच्छे से रखा जाए ताकि वहाँ पर जो जीव जंतु रह रहे हैं वहाँ पर कोई उनको हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर पूछा था ये पेरिस में है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है हम लोग का, क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ, जो क्वेश्चन आपको हम लोग को यहाँ पे पूछा गया, देखो चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे कि जो आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमें किस स्टेट में, मतलब ये आपका सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये किस स्टेट में सिचुएटेड है इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जो अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को के द्वारा मतलब क्या गया है उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कौन सा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तीन स्टेट को मिलकर बना होता है, एक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आपका तमिलनाडु के अंदर आता है। सुंदरबन आपका वेस्ट बंगाल का अंदर आता है, आपको पता होगा लार्जेस्ट जो डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड के अंदर आता है, तो हमारा क्वेश्चन भी यही था, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। पंचमढ़ी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। अचानकमर या अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व आपका दो स्टेट को मिलाकर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगस्तामाला ये आपका केरल और तमिलनाडु को मिलाकर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको इसको क्या कर नोट्स में पूरा लिख लेना कि हाँ क्या लिखना आपको यहाँ पे, ये आपको लिखना यहाँ पर ये है कि ठीक है कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, और कौन यहाँ पे किसका कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते हैं, क्लियर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया था, जैसे कि फ्रेंच ओपन इन मेन कैटेगरी 2021 वन बाई। तो देखो यार मैंने ये पोस्ट इसलिए किया था क्योंकि इससे करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंच ओपन जो हमेशा जो है ना राफेल नडल के द्वारा जीता जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ ना, ये जीता गया नोवेक डिजोकोविक के द्वारा जीता गया था, इसलिए मैंने इसको पोस्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चार तरह के यहाँ पे ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके टूर्नामेंट होते हैं, जिसको चारों का अगर मैं नाम की बात करूँ तो चारों का आपका AFWU इसको याद रखना है। पहला ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विमेल्डन होता है, फिर US ओपन होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन और US ओपन पूछा जाएगा कि कहाँ पर खेला जाता था, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट, मतलब जैसे मान लो कोई ज़मीन वाला, जैसे कि ज़मीन वाला सतह, जैसे कि मान लो सीमेंट वाला ज़मीन हो, तो उस सतह पर क्या खेला जाता है आपका ऑस्ट्रेलियन और US ओपन। फ्रेंच ओपन जो है मिट्टी पे खेला जाता है, जिसको हम लोग क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। और विमेल्डन जो होता है ये खेला जाता है आपका ग्रास वाले कोर्ट पे। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो इस साल का 2021 की अगर मैं बात करूँगा, जो फ्रेंच ओपन और जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये दोनों किसके द्वारा जीता गया, नोवेक डिजोकोविक के द्वारा जीता गया। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है टू। बहुतों ने इसका वन आंसर इसलिए किया क्योंकि उनको पता रहा था कि हमेशा जो फ्रेंच ओपन है राफेल नडल के द्वारा जीता जाता है, इसलिए भैया उन्होंने आंसर ये टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा था, देखो यहाँ पर मैंने इसको पोस्ट ये बताया भी था कि देखो कि कौन सा जो आपका होता है कौन से कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, प्रेसिडेंट बना हुआ कहाँ का, इसराइल का, तो भाई वो कौन है? तो मैंने इसलिए उसको पोस्ट किया हुआ था क्योंकि आपको पता है कि इसराइल और पैलेस्टीन के बीच भैया बहुत बड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कहाँ पर एग्ज़ाम में आने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर वन हो जाता है। कौन था? नाफ्ताली बेनिट जो है वो आपके नए प्रेसिडेंट बने हैं इसराइल के। तो डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लगता है कि हाँ डिस्कशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है मेरे भाई, तो फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।